हेलो दोस्तों, न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। तो आइए, हम आपको एक प्लांट के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। इस प्लांट का नाम है आपको सदाबहार, जो हम लोग सदा सुहागन बोलते हैं, सदाबहार बोलता है। तो हम लोग अपने गांव में सदाबहार के नाम से ही जानते हैं। देखिए, ये पौधे इसमें देख सकते हो आप, कम से कम 50 से 60 पौधे तैयार हो चुके हैं। इस पौधे को मैंने बीज से तैयार किया है, तो आप घर पे इस पौधे को बहुत ही आसान तरीका से बीज से तैयार कर सकते हो। इस पौधे को तैयार करने में कोई ऐसा दिक्कत नहीं होगी और बहुत ही अच्छे तरह से ये पौधे ग्रोथ करती है और अच्छे तरह से ये पौधे लगते हैं। और ये कम छोटे पौधे में ही फूल देना स्टार्ट कर देते हैं। ये सीजनली पौधा होता है, पर ये हमारे गर्मी के दिन में बहुत ही अधिक मात्रा में फ्लावर देते हैं। पर ये देखिए, अभी कितने छोटे छोटे फूल दे रहे हैं। ये सदाबहार का पौधा मैंने बीज से तैयार किया है, तो आप देख सकते हो अच्छे तरह से। मेरी वीडियो को आप देखिए, और आप यदि मेरे वीडियो पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। और इस वीडियो को मैं आप दिखाती हूँ कि आपको बीज से किस तरह से तैयार करना है। ये पौधे का देखिए बीज है जो मैंने निकाल ली है, आप देख सकते हो। इनके बीज इस तरह से होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, और इनको यदि हम तोड़ते हैं तो इनका बीज एकदम मंगरेला की तरह काले काले निकलेंगे, छोटे छोटे निकलेंगे, और बहुत ही अधिक मात्रा में ये बीज निकलते हैं। तो इस आपके यदि इतने सारे बीज हैं तो आपको बहुत सारे पौधे भी तैयार निकल आते हैं। इस बीज से आपको घर पे आपको मार्केट से खरीदने का कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस बीज से ही आप घर पे ऑलरेडी पौधे तैयार कर सकते हो। आप बिना पैसे खर्च किए घर पे ही फूल का पौधा और घर पे तैयार कर सकते हो। इस बीज से बहुत ही फायदेमंद चीज़ है। ये बीज से आपको बहुत सारे पौधे भी उगेंगे। तो आप देख सकते हो कि इस ये सदाबहार का पौधा का बीज है, आप देख सकते हो। ये बीज आपको बिल्कुल ही एकदम मंगरेला की तरह दिख रहे हैं। ये हमारे पास कम से कम 30 से 35 बीज हैं। इनसे बीज से बहुत सारे आपको पौधे तैयार निकल आएंगे, और आपको मार्केट्स में एकदम पैसा लगाने का कोई अभी ज़रूरत नहीं है। ये देखिए बीज है, बीज को मैंने इस गमले में छिड़क दी है अच्छी तरह से। आप छिड़क किसी तरह भी छिड़क देते हो तो ये पौधा बिल्कुल तैयार हो जाएगी। और मैं आपको एक सप्ताह के बाद मिलती हूँ। मैंने बीज से एक सप्ताह हो चुका है दोस्तों, अब मैंने बीज से ये पौधे देखिए तैयार किया है। ये बहुत ही छोटे और बहुत ही नाजुक पौधे हैं। इस पौधे से आपको बहुत सारे तैयार किए हैं मैंने पेड़, अलग अलग हिस्सों में ऑलरेडी तैयार कर चुकी हूँ। तो आप देख सकते हो इस सदाबहार का पौधा बहुत, तो इस पौधे से मैंने ऑलरेडी पौधे अलग अलग हिस्सों में तैयार कर दी है। तो आप घर पे सदाबहार का पौधा एकदम लगाइए, बीज से ही तैयार करिए। बीज से बहुत ही अच्छे तरह से पौधे और सुंदर कोमल पत्ते और नाजुक पौधे तो तैयार होते हैं, और बहुत ही अधिक मात्रा में पौधे तैयार होते हैं। इनका फूल बिल्कुल ही पिंक कलर का होते हैं। ये वाइट जातियों में भी पाए जाते हैं, पर मेरे पास पिंक और वाइट दोनों ही अवेलेबल है। तो आप इस पौधे को अवश्य लगाएं, ये 12 मास पौधा फूल देने वाला है। इस पौधे को आप देख सकते हो, इसमें पिंक कलर का फ्लावर खिले हैं और बहुत ही ज़्यादा फूल खिले हैं। तो आप इस तरह से देखिए, हर पौधे में मेरे फ्लावर आए हैं। इस पौधे को आप देख सकते हो, और इसका पौधे आप घर पे ऑलरेडी तैयार कर सकते हो दोस्तों। और मेरे चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दे। तो इस पत्ते से आपको क्या क्या जानकारियाँ मिलेगी सो भी मैं आपको बता दे रही हूँ। इस पत्ते को आपको तोड़कर, और इस पत्ते को आप पीस लीजिए, और पीस कर नारियल तेल में मिलाकर आप बालों के ऊपर यदि यूज करते हो तो आपका बाल बिल्कुल सिल्क और बहुत ही सुंदर निखरे दिखेंगे। आपको मार्केट में तेल मिलेंगे, पर ये इस पत्ते का जो आप पेस्ट यदि लगाती हो बालों के ऊपर तो बाल आपको बिल्कुल झड़ेंगे नहीं और बिल्कुल ही काले हो जाएंगे बाल, और एकदम सिल्क की तरह नजर आएंगे। तो इस पौधे का पत्ते का आप हर तरह से यूज कर सकते हो इनके, और इनका फूल आप, और यदि आपको डायबिटीज हो, अगर आपके शुगर हो, तो इस
पत्ते को आप सुबह एक पत्ते को देखिए, मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। ये पत्ते कोमल पत्ते जो आप एकदम नाजुक पत्ते होते हैं, उस पत्ते को आप तोड़कर और एकदम इस तरह से मोड़कर आप इसको पानी के साथ यदि निगल जाते हो तो आपको बिल्कुल ही शुगर लेवल कम हो जाएगी और शुगर नहीं होगी। इस पत्ते को आप पर डे सेवन करो दोस्तों। इस पत्ते में बहुत सारे गुण हैं और इन पत्ते को बाल पर भी आप यूज कर सकते हो, इनको फूल भी यूज कर सकते हो, फूल भी चढ़ा सकते हो भगवान पर, और ये बारह मास आपको फूल देती है और बढ़िया लगते हैं आपको देखने से सदाबहार का पौधा। और आप बीज से ही घर पे ऑलरेडी इतना सारा पौधे तैयार कर सकते हो, आपको एक रुपया भी कम खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। बाय बाय।